ये मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है। बुरहानपुर में नगर निगम चार पुलियाओं का निर्माण करी, जिसमें से एक पुलिया ये भी है, ये निमाड़ हॉस्पिटल के सामने की पुलिया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये भर भरा के गिर गई है। यहाँ पे नगर निगम ने नीचे पाइप डालने के लिए गड्ढा किया था, जिस गड्ढे करने के बाद यहाँ की जो सेफ्टी वॉल थी, जो पत्थरों से बनाई गई थी, वो सेफ्टी वॉल को भी नुकसान पहुंचा, उसका बेस गायब हो गया, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा की पूरा नीचे ढह गया। आप देखिए यहाँ पे ये टाटा मोटर्स है, यहाँ पे गाड़ियां हमेशा पार्क रहती है, इनकी जो नई गाड़ियां होती है शोरूम की वो भी यहाँ बड़े पैमाने पर खड़ी रहती है, लेकिन ये सुबह के समय की घटना है, जिस समय यहाँ गाड़ी नहीं थी। अगर ये दिन में होता तो यहाँ पे जनहानि भी हो सकती थी। अब ये जो साथ में बिल्डिंग देख रहे हैं आप लगी हुई, इस बिल्डिंग की जो बेस है, जो नींव है, वो भी कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई, नीचे दरारें पड़ गई है, क्योंकि ये जो नगर निगम का काम चल रहा है, ये जो ठेकेदार है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण भी यहाँ पे समय भी लग रहा है और नुकसान भी हो रहा है। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, जो निर्धारित समय है नगर निगम का, उससे ये लेट हो गए हैं, उससे ये दूर हो गए हैं। इसके साथ ही आप मेरे पीछे देखिए, मेरे पीछे ये बिजली का खंभा है, ये बिजली के खंभे का जो यहाँ पे एक जो सपोर्टिंग वायर था, जो सपोर्टिंग पिलर था, वो भी ढह गया है, वो भी गिर गया है। आप देखिए यहाँ पे अभी तक कोई भी नगर निगम का अफसर कर्मी यहाँ पे नहीं आया है। और आप नीचे देखिए यहाँ पे बैरिकेड्स भी गिर गए हैं नगर निगम के, पुलिस के, और काफी नुकसान भी हुआ है। दिन में ये घटना होती तो जरूर यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता था। देखिए यहाँ पे टाइल्स भी उखड़ गई, यहाँ पे दुकान के पास से पूरा हिस्सा के हिस्सा नीचे गिर गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं नगर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव को और उनके इंजीनियरों की टीम को संज्ञान लेना चाहिए, और यहाँ पे अधिकारियों की मौजूदगी में ही निर्माण कार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर लापरवाही बरती गई तो यहाँ पे बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि हो सकती है। हमारी खबरों को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिलेगी। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।